बस बच्चों की फरमाइश नूडल बना दीजिए, पर हम मॉम्स को तो हेल्दी बनाना है। मेरे पास ये गेहूं का आटा रखा था, इसको मैंने अच्छे से रोटी की तरह बेल लिया है, थोड़ा पतला बेलिएगा। बस पानी को इस तरह से उबालिए और बस इसे दो से तीन मिनट तक जो है अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और जैसे ही बॉईल हो जाए इसको साइड में निकाल कर रख दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे पतले पतले से चाहे चाकू से या तो जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स का लीजिए नूडल के इस पर, और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे साइड में रख दीजिए। फिर इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च डालिए। हरी मिर्च थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी, शिमला मिर्च डाल लिया है, जैसे ही पक जाए थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब बहुत सारी वेजेस यूज़ कर सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए। और बस ये सारी चीज़ अच्छे से कुक हो गई है, थोड़ा सा मैंने इसमें एक से डेढ़ चम्मच जो है टमाटो सॉस, एक चम्मच थोड़ा सा चिली सॉस और एक चम्मच ही सोया सॉस डाला है, और ये मैंने नूडल मसाला डाला है, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस हमारे ये होममेड नूडल्स डाल दीजिए और मिक्स करिए, और ये मज़ेदार से आपके हेल्दी नूडल्स तैयार हैं, जो बच्चों को आप गिल्ट फ्री दे सकते हैं और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, और इतना ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट लगता है। सो बनाइए और इन्जॉय करिए। बाय बाय।